नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एक अमेरिकन फिल्म के बारे में जिसका नाम है मिस्टर हैरिगन्स फोन। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जॉन ली हैनकॉक और बेसिकली इसको हॉरर स्टोरी बताया गया है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो इस फिल्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। आइडिया इस फिल्म का बहुत ही यूनिक है लेकिन डायरेक्टर इस आइडिया को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए और ये पूरी तरह से ये फिल्म एक बोरिंग फिल्म साबित होती है। अब दोस्तों फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में एक लड़का और एक बूढ़े अमीर इंसान की दोस्ती और एक अच्छे खासे रिलेशनशिप दिखाई गई है। एक दिन वो बूढ़े अमीर इंसान की मौत हो जाती है लेकिन मरने के बाद भी वो बूढ़ा अमीर इंसान उस लड़के से फ़ोन के ज़रिए कॉन्टेक्ट में रहता है और कुछ कुछ मर्डर भी वो अमीर इंसान जो मर चुका है वो करता रहता है। अब आगे फिल्म में क्या होगा यही इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि इस फिल्म का जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा है कि मरने के बाद भी वो इंसान कहीं ना कहीं उस बंदे से कनेक्ट रहता है, वो फ़ोन के ज़रिए उससे बात करता है। लेकिन फिल्म में बस मेलो ड्रामा डाल दिया है, मतलब बिना ज़रूरत के इमोशनल सीन और बिना ज़रूरत के डायलॉगबाजी ही फिल्म में चलती रहती है। फिल्म में एक घंटा शुरुआत का जब ख़त्म होता है तब आपको लगता है कि फिल्म में मैंने क्या देखा, पूरे एक घंटे में फिल्म में कुछ भी नहीं दिखाया गया। हालांकि डायरेक्टर वो दिखाना चाहते थे कि वो लड़के और वो बूढ़े इंसान की जो बॉन्डिंग है वो कितनी खास हो गई है, लेकिन उसको शॉर्ट में ख़त्म किया जा सकता था। आप पूरे एक घंटे में वही आप चीज़ दिखाओगे तो ऑडियंस वो चीज़ को नहीं देख पाएगी और उसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हो। वो सीन हमें बहुत ही बोरिंग लगता है और हम कहीं से भी उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। इवन दोस्तों फिल्म का जो थ्रिलिंग मोमेंट होना चाहिए वो भी फिल्म में इतना अच्छा नहीं है। जब मेरे सामने ये राज खुला कि वो मरने के बाद भी उस बंदे से कॉन्टेक्ट में है तब हमें लगा कि यार अब कुछ ना कुछ मतलब मज़ा आएगा फिल्म में। लेकिन वो एक ही सीन होता है, उसके बाद पूरी फिल्म में कुछ भी नहीं दिखाया गया, ना उसके राज खुले गए ना वो कैसे कर रहा है, मर्डर कैसे कर रहा है वो भी समझ में नहीं आया। बस फालतू का मेलो ड्रामा और इमोशनल सीन डाल दिया गया फिल्म में जो हम फिल्म के साथ कभी भी जुड़ नहीं पाते। तो एक घंटे 45 मिनट की ये फिल्म है लेकिन पूरा एक घंटा तो स्टार्टिंग का वेस्ट ही है। दूसरे हाफ में 45 मिनट में वो 5 मिनट का जब वो सीन सस्पेंस आपके सामने खुलता है वो थोड़ा बहुत आपको जानने में अच्छा लगता है लेकिन उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया तो बाकी का 45 मिनट भी हमें ख़राब ही लगता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूँ तो फिल्म का कंसेप्ट अच्छा था, आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाने के कारण ये फिल्म कहीं से भी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाती है और हम इस फिल्म के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं इस फिल्म को दूंगा 2 out of 10 stars। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।